वेलकम टू कैप्टन एक्शन फ्रेंड्स। हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइज, आज का हमारा वीडियो लेक्चर, यहाँ पर मैं आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला। आज हम बात करेंगे हमारे पेपर की। आज संडे है और हर संडे को आपका पेपर होता है शाम को 6 बजे। ये हमारा जो पेपर है हॉर्टिकल्चर टेस्ट पेपर 4 है। कहने का मतलब है, इससे पहले हमने 3 हॉर्टिकल्चर के टेस्ट पेपर देखे थे जिनमें हमने 40 40 40 क्वेश्चंस के सेट में पेपर को सॉल्व किया था। सेम वैसा ही आप लोगों को इस पेपर में करना है, 1 से लेकर 40 तक आपको मार्क करना है। उसके बाद आप चेक करते हुए चले कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही निकले हैं और कितनों के गलत निकले हैं। उसके बाद आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे आपके जो सीट है, आंसर सीट, आप मुझे सेंड जरूर करें। उससे देखो आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपकी तैयारी किस तरीके की है। जिन बच्चों के पहले 40 में से 35 सही निकले थे, जिनके 40 में से 25 सही निकले थे, अब उनके ज़्यादा सही निकलने चाहिए। कहने का मतलब है कंटिन्यू इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज में हमें नहीं जाना। जिन बच्चों के पहले 35 सही थे उनके अब 40 में से 40 सही होने चाहिए। देखो क्वेश्चन आपके सारे के सारे पढ़ाए हुए हैं, मतलब हॉर्टिकल्चर हमने एक तरीके से कंप्लीट कर लिया है। पूरा कंप्लीट अभी हमने नहीं किया, हमने जस्ट उसमें पोमोलॉजी पढ़ा है। पोमोलॉजी में 13 से 14 फ्रूट हमने पढ़े हैं। ओलेरिकल्चर हमने पढ़ा है जिसमें 17 वेजिटेबल्स को हमने पढ़ा है। फ्लोरिकल्चर पढ़ा है जिसमें से हमने 4 से 5 फ्लावर पढ़े हैं। और हमने उसके बाद मेडिसिनल प्लांट पढ़े हैं, 6 मेडिसिनल प्लांट जो आपके सिलेबस में दिए हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है, गार्डन है, गार्डन लेआउट है, प्लांट है, सब कुछ, ठीक है ना। वो टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़े। कहने का मतलब है करीबन हमने 60 से 70% हॉर्टिकल्चर का पढ़ लिया और उसी में से आपका ये पेपर बनाया हुआ है। इस पेपर को इस तरीके से बनाया हुआ है कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जेट का एग्जाम दो, आईसीआर का दो, बीएचयू का दो, पेट का दो, यूपी के टेट का दो, सीजी पेट का दो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग सेम बस एक तरीके से इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस पेपर हैं इसमें कुछ वेराइटीज ऐसी डाली गई है जो आपके पिछले पेपर्स में पूछी गई है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, हिंदी वाले स्टूडेंट या इंग्लिश वाले स्टूडेंट, मैं आपको दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए भाई जय गणेश आय करते हैं, आप सभी को एक बार ऑल द बेस्ट। आप बिल्कुल अच्छे से पेपर दें, आई होप आपके 40 में से 40 सही निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम, देसी गुलाब की कटाई छटाई का समय। कहने का मतलब है आपको टाइमिंग बतानी है। देसी गुलाब में जो एक तरीके से रोजा इंडिका होता है उसमें प्रूनिंग का टाइम आपको बताना है कि प्रूनिंग किस मंथ में की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 जून, ऑप्शन नंबर 2 सितंबर, ऑप्शन नंबर 3 मार्च एंड ऑप्शन नंबर 3 दिसंबर। देखो एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, बिल्कुल अच्छे से राइट आंसर दे कि देसी गुलाब में प्रूनिंग कब करते हैं, काट छाट कब करते हैं। तो कब करते हैं, हमारा राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। दिसंबर में हम क्या करते हैं, कटाई छटाई करते हैं। रोजा इंडिका के अंदर रोजेसी इसकी फैमिली होती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पूसा रेड इज अ वेराइटी ऑफ। पूसा रेड जो किस्म है, किसकी किस्म है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पूरे नहीं लिखे हुए हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। जितना शॉर्ट हो सकता था उतना शॉर्ट मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। आपको ये बड़ी लैंग्वेज में मिलेंगे पेपर के अंदर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या बतानी है, पूसा रेड इज अ वेराइटी ऑफ टोमेटो, कैरट, अनियन, चिली। तो किसकी किस्म है भाई, फटाफट कमेंट करें क्या बताना है। पूसा रेड, तो पूसा रेड किसकी वेराइटी है, अनियन की वेराइटी है, प्याज की वेराइटी है, एलियम सेपा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलियम सेपा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रोपगेशन मेथड ऑफ क्राइसेंथिमम। क्राइसेंथिमम क्या होता है भाई, फ्लावर होता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं गुलदाउदी। तो इसमें क्या बताना है, प्रवर्धन की विधि बतानी है कि इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए रूट, ऑप्शन नंबर बी बायसीड, ऑप्शन नंबर सी बर्ड, ऑप्शन नंबर डी सकर्स। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो जड़, बीज, कलम और सकर्स बूस्तारियां, ठीक है। तो चलिए भाई फटाफट कमेंट करें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सकर्स। इसमें बूस्तारी और कलम दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोपोगेशन किया जाता है। देखो आप जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं, ऑप्शन आपको बताऊं, आप फटाफट से आंसर दे, उसके बाद जैसे मैं बताता हूं सही आप अपने टिक लगा ले कि आपका गलत था या सही था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, विच फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। और बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर आपने विटामिन सी तो सर्वाधिक उसमें बताया था, आपने ऑप्शन में अलग बता दिया। तो देखो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दे रखा है।
अब ऐसा नहीं है कि आंवला में विटामिन सी होता है, बारबाडोस चेरी में विटामिन सी होता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। हमारा आंसर डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, तो आप इसका बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आप बिल्कुल पहले ऑप्शन देखें उसके बाद में आप सही आंसर लगाएं। क्या बताना है, विच फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, इनमें से कौन सा फल है जिसमें विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑरेंज, ऑप्शन बी लेमन, ऑप्शन सी स्वीट ऑरेंज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ए ओ टी मतलब ऑल ऑफ दीज है, मतलब उपयुक्त सभी। तो चलिए भाई फटाफट कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा हमारे पास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा लेमन, इसको क्या बोला जाता है, नींबू बोला जाता है, और नींबू में सर्वाधिक क्या होता है, विटामिन सी होता है। ऐसे तो विटामिन सी सर्वाधिक किसमें होता है, बारबाडोस चेरी में होता है, उसके बाद आंवला में होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो हमारा लेमन में हो जाएगा, नींबू में हो जाएगा। भाई आप वीडियो को बिल्कुल अधिक से शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके और घर बैठे अपनी तैयारी कर सके। आप एग्रीकल्चर की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी करें, आपके 40 के 40 क्वेश्चन वीडियो से ही पुटअप होंगे, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत सारे मेरे पास फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मेल पे क्वेश्चन आते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो यार आप पहले उस टॉपिक को पढ़ो, आपको सारे क्वेश्चंस बताए हुए हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट सपोज करो 5 मिनट का वीडियो देखा, नीचे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो, इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा, पहले आप पूरा वीडियो देखो, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मतलब जो भी अब तक बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे मैंने वीडियोज के अंदर पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप पहले वीडियो देखें, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे वीडियो के अंदर ही। जैसे आपने मैंगो देखा, अगर उसमें वीडियो में अगर वो क्वेश्चन नहीं है, फिर आप मुझे कमेंट करें, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे, उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करोगे, सर इसका क्या होगा, सर इसका क्या होगा, तो ऐसे मैं कहां तक आंसर दूंगा। आप वीडियो देखें, वीडियो के अंदर सारे आंसर्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बेबी रोज, बेबी गुलाब के नाम से किसे जाना जाता है। मतलब मैंने आपको जब रोज पढ़ाया था तो रोज की प्रजातियां बताई थी, इसका क्लासिफिकेशन हमने किया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि बेबी रोज किस गुलाब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीबंडा, ऑप्शन नंबर बी पॉलियंथा, ऑप्शन सी मिनिएचर, ऑप्शन डी क्लाइंबिंग रोज, मतलब लता वाला गुलाब। तो चलिए भाई फटाफट कमेंट करें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बेबी रोज या बेबी गुलाब जो कहा जाता है, मिनिएचर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मिनिएचर गुलाब की प्रजाति को कहा जाता है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं सब्जियों के अंतर्गत कोल क्रॉप में कौन सी सब्जियां आती है। भाई कोल क्रॉप में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी सब्जियां आती है, तो यहां पर ऑप्शन हमें देखना है फिर आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए केबेज नॉल नॉल, ऑप्शन नंबर बी अनियन गार्लिक, ऑप्शन नंबर सी पंपकिन एंड वाटरमेलन, ऑप्शन नंबर डी ए व बी बॉथ। तो चलिए भाई फटाफट कमेंट करें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कोल क्रॉप के अंदर कौन कौन सी आती है। भाई ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केबेज नॉल नॉल, और यहां पर कॉलीफ्लावर भी हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये तीनों वेजिटेबल हैं जो किसमें आती है, कोल क्रॉप में आती है, क्रूसीफेरी इनका परिवार है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल इन वर्ल्ड। मतलब यहां पर कुछ कंट्रीज लिखे हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादक देश कौन सा है, जो सब्जियों को सर्वाधिक उत्पादक करता है, उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर बी कोरोना, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। तो चलिए भाई फटाफट कमेंट करें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, इसके बाद सेकेंड रैंक आती है इंडिया की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, गेंदा व गुलदाउदी में मैरीगोल्ड एंड क्राइसेंथेमम में कुल फूल कब खिलते हैं। क्या बताना है आपको, फ्लावर ब्लूमिंग टाइम बताना है, ठीक है ना, कि फूल खिलने का कौन सा टाइम है। देखते हैं ऑप्शन, रेनी सीजन, ऑप्शन नंबर बी समर सीजन, ऑप्शन नंबर सी विंटर सीजन, ऑप्शन नंबर डी बसंत सीजन। तो चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, मैरीगोल्ड एंड क्राइसेंथेमम में फ्लावर कब खिलते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा विंटर सीजन। देखो आंसर किस तरीके से दिया जाता है, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि ये दोनों एक तरीके से रबी क्रॉप है, मतलब विंटर सीजन के प्लांट है, एसडीपी प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, तो इनमें जो फ्लावर खिलते हैं विंटर सीजन में खिलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गेंदा एंड गुलदाउदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फैमिली ऑफ ग्लेडियोलस, क्या बताना है आपको, ग्लेडियोलस का परिवार बताना है। ग्लेडियोलस का परिवार क्या है भाई, ऑप्शन हमारे पास है एस्ट्रेसी, ऑप्शन नंबर बी रोजेसी, ऑप्शन नंबर सी इरिडेसी एंड ऑप्शन नंबर डी कंपोजिटी। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा, ग्लेडियोलस के जो परिवार है, फैमिली है, तो कौन सा है भाई, इरिडेसी है, ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल हटके है, याद रखना थोड़ा सा इसको।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ केरोटीन, मतलब केरोटीन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है। ऑप्शन आपको देखना है, यहां से बिल्कुल अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। ऑप्शन है कैरेट, ब्रिंजल, पपाया, ओकरा। देखो एक क्वेश्चंस जो है जेट आईसीआर बीएचयू में जाने कितनी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। इस पर स्टार लगा लेना कि केरोटीन सर्वाधिक किस फल में पाया जाता है, किस सब्जी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए कैरेट, गाजर के अंदर। और कैरेट क्या होता है, डेकस कैरोटा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल ऑफ जीरोफाइट प्लांट, मतलब जीरोफाइट प्लांट क्या होते हैं, मरोदभिद पौधे होते हैं। अब मरोदभिद पादप ऐसे प्लांट होते हैं जो मतलब ऐसे एक तरीके से रेगिस्तान में उग जाते हैं, जीरोफाइट प्लांट। तो यहां पर आपको उसका एग्जांपल बताना है। ऑप्शन नंबर ए मैंगो, ऑप्शन नंबर बी बेर, ऑप्शन नंबर सी डेट पाम, ऑप्शन नंबर डी ग्रेप। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेर क्या होता है, जुजिफस जुजबे, जुजिफस मोर्सियाना। तो आई होप आपके अब तक सारे क्वेश्चंस के आंसर सही निकले होंगे। आगे हम बात करते हैं भाई, आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर स्क्रीनशॉट लिया ले लिया मतलब लेने दिया करो, तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारे पास, कुकुरबिटेसी फल क्या कहलाते हैं, मतलब जो कुकुरबिटेसी जो क्रॉप है उनमें जो फल आते हैं उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेरी, ऑप्शन नंबर बी फ्रूट, ऑप्शन नंबर सी पेपो, एंड ऑप्शन नंबर डी अकीन्स। तो क्या कहा जाता है भाई, कुकुरबिटेसी में जो फल आते हैं उनको पेपो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पर स्टार लगा लेना। भारत में फलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपको बताना है, एरिया, फ्रूट का एरिया बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है मैंगो, सर्वाधिक सबसे ज्यादा मैंगो लगाया जाता है, या फिर उसके बाद में लेमन फ्रूट और उसके बाद में बनाना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी बनाना मैंगो फिर लेमन फ्रूट, ऑप्शन नंबर सी लेमन फ्रूट मैंगो बनाना, ऑप्शन नंबर डी बनाना लेमन फ्रूट पपाया। देखो ये मतलब आपको क्रम दिया हुआ है, सिक्वेंस दी हुई है, आपको सिक्वेंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, आपको क्या बताना है, एरिया बताना है किसका, फ्रूट का। तो एरिया में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सर्वाधिक फलों के अंतर्गत आम को उगाया जाता है, उसके बाद में लेमन फ्रूट मतलब नींबू वर्गीय फल, उसके बाद में मूसा पेराडिसी का बनाना को उगाया जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग पूछ लिया जाता है, अगर मैं यहां पर क्षेत्रफल हटा के क्या कर दूं, प्रोडक्शन कर दूं, क्या कर दूं, प्रोडक्शन। मतलब अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए सर्वाधिक उत्पादन, फलों का उत्पादन का सर्वाधिक जो सही क्रम है वो कौन सा है, तब आपका राइट आंसर ए नहीं रहेगा, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। सर्वाधिक जो हाइएस्ट जो प्रोडक्शन होता है वो बनाना का होता है, फिर उसके बाद में मैंजीफेरा इंडिका होता है, फिर उसके बाद में लेमन फ्रूट्स का होता है। तो अच्छे से याद रखना, ये प्रोडक्शन का है और ये कौन सा है, ये हमारे पास एरिया का है, एरिया, बिल्कुल अच्छे से स्टार लगा लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, मीनिंग ऑफ वेजिटेबल फोर्सिंग, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिया था आई थिंक, ठीक है ना। क्या बताना है आपको, वेजिटेबल फोर्सिंग का मीनिंग बताना है। हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग, वेजिटेबल फोर्सिंग का क्या बताना है, मीनिंग बताना है, मतलब इसका क्या अभिप्राय है, वेजिटेबल फोर्सिंग का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान से समझना, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल मतलब सब्जियों की खेती करना, सब्जियां उगाना। ऑप्शन नंबर बी कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल इन पॉलीहाउस, पॉलीहाउस में सब्जियों को उगाना। ऑप्शन नंबर सी कल्टीवेशन ऑफ अनसीजनल वेजिटेबल, बेमौसम खेती करना, बेमौसम सब्जियों की खेती करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, यहां पर हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कल्टीवेशन ऑफ अनसीजनल वेजिटेबल मतलब बेमौसम खेती करना। देखो वेजिटेबल फोर्सिंग मतलब क्या होता है, वेजिटेबल फोर्सिंग मतलब यही होता है कि पॉली हाउस, ग्रीन हाउस इनके अंदर खेती करना। लेकिन यहां पर जो है पॉली हाउस हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ओनली पॉली हाउस दिया हुआ है। मतलब वेजिटेबल फोर्सिंग मतलब होता है कि हम हमेशा बारहमासी हमें सब्जियां मिलती रहे, तो बेमौसम खेती करना, सब्जियों की खेती करना क्या कहलाता है, वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। इंडिया में ये सही से अवेलेबल नहीं है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो आती है काफी ज्यादा आती है और जो कस्टमर्स हैं वो अफोर्ड इसको नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो ये आईबीपीएस में भी पूछा गया है, स्टार लगा लेना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15,
डायना इज अ वेराइटी ऑफ, डायना किसकी किस्म है? ऑप्शन नंबर ए ग्लेडियोलस, ऑप्शन नंबर बी क्राइसेंथिमम, ऑप्शन नंबर सी मेरीगोल्ड एंड ऑप्शन नंबर डी रोज। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, आपको क्या बताना है, राइट आंसर बताना है, क्या बताना है कि डायना किसकी किस्म है। तो डायना किसकी किस्म है भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्राइसेंथिमम स्पीसीज, क्राइसेंथिमम स्पीसीज गुलदाउदी की किस्म है डायना। स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है डायना वाला। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ब्यूटीफुल गार्डन बुक, कौन सी बुक भाई ब्यूटीफुल गार्डन बुक किसके द्वारा लिखी गई, मतलब इसका राइटर कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एम एस रंधावा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी पी पॉल, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एच बी फ्रॉस्ट। तो राइट आंसर बताइए भाई फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल गार्डन बुक को किसने लिखा था? डॉक्टर एम एस रंधावा, डॉक्टर एम एस रंधावा ने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी। देखो इलेवेंथ वाले जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि जब इलेवेंथ क्लास में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो वहां पर जो एक तरीके से भारत में कृषि का इतिहास जो बुक लिखी थी वो भी किसने लिखी थी, डॉक्टर एम एस रंधावा ने लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो उसके भी राइटर कौन है, डॉक्टर एम एस रंधावा है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, और एम एस स्वामीनाथन का आप सबको पता होगा हरित क्रांति के जनक, इंडिया के अंदर वर्ल्ड का पूछा जाए तो आपको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन नहीं लगाना, तब आपको डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग लगाना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ कट फ्लावर। देखो मैंने आपको बताया था कि फ्लावर दो प्रकार के होते हैं, एक तो कट फ्लावर होता है और एक लूज फ्लावर होता है, आपको कट फ्लावर का एग्जांपल बताना है। ऑप्शन नंबर ए रोज मतलब गुलाब, ऑप्शन नंबर बी मेरीगोल्ड गेंदा, ऑप्शन नंबर सी क्राइसेंथिमम गुलदाउदी एंड ऑप्शन नंबर डी जैस्मिन चमेली। तो चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, कट फ्लावर कौन सा है? तो कट फ्लावर कौन सा है भाई, कट फ्लावर है हमारे पास यहाँ पर रोज, रोजा इंडिका, किसका सिंबल है, लव का सिंबल है, मेरा सिंबल है, ठीक है ना। देखो कट फ्लावर मतलब समझ गए, जिसको टहने के साथ तोड़ा जाता है भाई, गुलाब को आप ऐसे तो नहीं देते ना, थोड़ा सा ऊपर का गुलाब फ्लावर तोड़ा और ऐसे दे रहे हो, ऐसे नहीं देते, ऐसे देते ना पकड़ के इस तरीके से, तो एक कट फ्लावर हो गया, ठीक है ना। इसके साथ क्या है, शाखा भी है टहनी भी है। और यहाँ पर जो बाकी है तीनों फ्लावर कौन से, लूज फ्लावर है, लूज फ्लावर में सर्वाधिक चमेली को उगाया जाता है, जैस्मिन को उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सीड रेट ऑफ सफेद मूसली, सफेद मूसली की बीज दर आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए 2 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी 4 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। क्या होगा हमारा राइट आंसर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर, हम क्या लेते हैं, सफेद मूसली की बीज दर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पीले सोने के नाम से प्रसिद्ध अखाद्य तिलहन फसल। देखो आपको मतलब ऑयल सीड क्रॉप है जिसको हम नहीं खा सकते, तो कौन सी है जिसको पीले सोने के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, येलो गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए तिल ससमम, ऑप्शन नंबर बी मस्टर्ड सरसों, ऑप्शन नंबर सी होबा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा होबा। अब होबा क्या होता है भाई, इसको जोजोबा भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जोजोबा और होबा और जेट्रोफा, क्या बोला जाता है, जेट्रोफा बोला जाता है, और रतन जोत बोला जाता है। तो रतन जोत जो क्रॉप है आप सबको पता होगा, इसको बायोडीजल के लिए उगाया जाता है, किसके लिए उगाया जाता है, बायोडीजल के लिए, और ये एक अखाद्य फसल है, इसको पीले सोने के नाम से जाना जाता है, और ये मतलब करीबन इसका आगमन हुआ था 1965 में इंडिया के अंदर, वो बाकी आपको याद नहीं रखना, नॉर्मल आपको याद रखना है ओहोबा। जैतून, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से बायोडीजल प्लांट कौन सा है, तो बायोडीजल प्लांट कौन सा है, जेट्रोफा है, जेट्रोफा कर्कस इसका क्या है बोटानिकल नेम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सीड रेट ऑफ गार्लिक, आपको लहसुन की बीज दर बतानी है, ये क्वेश्चन आपसे पुट अप किया हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 200 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी 600 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी 800 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी 1000 केजी प्रति हेक्टेयर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 600 केजी प्रति हेक्टेयर हम क्या लेते हैं, गार्लिक की बीज दर लेते हैं, एलियम सटाइवा। देखो आप पूरे क्वेश्चन देखें बिल्कुल अच्छे से, ऐसा नहीं आपने 10 क्वेश्चन देखे, 5 क्वेश्चन देखे फिर वीडियो को आपने लेफ्ट कर दिया, आपको पूरे 40 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, उसके बाद आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं कि सर हमारे 40 में से 40 सही निकले हैं, हमारे 40 में से 35 सही निकले हैं, पहले हमारे 25 सही थे अब 35 सही हुए हैं, कहने का मतलब है इंक्रीज हो रहा है हमारा काटा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21,
प्याज की दोनों ऋतुओं में उगाई जाने वाली किस्म, मतलब ऐसी वेरायटी बतानी है जिसको हम खरीफ में भी उगा सकते हैं एंड रबी में भी उगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर 101, ऑप्शन नंबर बी पूसा रेड, ऑप्शन नंबर बी पटना रेड, ऑप्शन नंबर डी N53। देखो इस पेपर में जितनी भी वेराइटीज आपको दी हुई है आप इन वेराइटीज को बिल्कुल अच्छे से याद कर ले क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, N53 हो जाएगा। यह एक ऐसी किस्म है जिसको दोनों ऋतुओं में उगा सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कट फेस। क्या है भाई, कैट फेस इसको बोलते हैं, बिल्ली जैसा मुंह। बिल्ली जैसा मुंह किस सब्जी का देह विकार है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, मतलब आपको क्या बताना है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बताना है किसका। ऑप्शन आपके पास है ब्रिंजल, पोटेटो, टोमेटो, चिली। तो कैट फेस किसका भाई डिसऑर्डर है, फिजिकल डिसऑर्डर, टोमेटो का है, टमाटर का है, और टमाटर एक डीएनपी प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है, इसको तीनों ऋतुओं के अंदर उगाया जा सकता है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर कमेंट्स आए थे मेरे पास बहुत सारे कि सर आपने ब्रिंजल पढ़ा दिया, सारी सब्जियां पढ़ा दी, लेकिन पोटेटो क्यों नहीं पढ़ाया। तो देखो ये जो पोटेटो है, पोटेटो को हम पढ़ेंगे ही आपके कैश क्रॉप के अंदर दिया हुआ है, मतलब ऐसी नकदी फसलों के अंदर दिया हुआ है, तो इसको हम नकदी फसलों के अंदर पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी हम स्टार्ट करेंगे मंडे से, कल से, ठीक है ना, जिसमें हम सबसे पहले सीरियल क्रॉप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में पल्सेस पढ़ेंगे, फिर ऑयल सीड पढ़ेंगे, फिर फाइबर क्रॉप पढ़ेंगे, इस तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो हमारे अब तक 22 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे हम बात करते हैं हमारे जो बचे हुए क्वेश्चन है। कंटिन्यू आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करते रहे ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखो कुछ पेपर्स है मेरे पास यहाँ पे जेट के, आईसीआर के, आपके जो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट होता है कि सर इंग्लिश में मत पढ़ाओ, हिंदी में मत पढ़ाओ, तो आपका जो पेपर होता है ना दोनों लैंग्वेज में आता है। इस साइड में हिंदी में लिखा होगा, इस साइड में इंग्लिश में लिखा होगा, या फिर इस साइड में इंग्लिश में या हिंदी में, लेकिन साफ साफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है हिंदी के अंदर ऑप्शन में, देखो कई बार ऑप्शन है तो ऐसा होता है कि इंग्लिश में ए जो ऑप्शन है ना क्वेश्चन का वो हिंदी में डी बन जाता है, हिंदी वाले तो डी लगाते हैं और इंग्लिश वाले ए लगाते हैं, लेकिन अगर राइट ए है तो फिर हिंदी वालों का वो आंसर गलत माना जाता है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप एग्जाम दे तो पेपर के अंदर आप इंग्लिश वाला साथ में नोट करते, चेक करते हुए चले भाई। अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, आप ऑप्शन तो चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ताकि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल अच्छे से सही जाए। और ऐसे मतलब होता ही है पेपर के अंदर, कभी कभी चेंजेस आ जाते हैं, कुछ गलतियां आ जाती है, तो गलतियां मतलब जो है ना, मतलब इंग्लिश का ही क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा। आपको ये सारे पेपर सोल्व करवाऊंगा, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी हमारा एग्रोनॉमी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद में हम यहाँ पर कंटिन्यू पेपर सोल्व करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम का, हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 अब हम इसको क्या करेंगे भाई, रफ करेंगे और यहाँ पर मैं नोट करते हुए चलूंगा, आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 23 नोट करेंगे भाई सभी बच्चे, क्या है, होलो स्टम किस सब्जी का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या बताना है आपको, होलो स्टम किस सब्जी का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है या देहिक विकार है, होलो स्टम। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा होलो स्टम किस सब्जी का देहिक विकार है, देहिक विकार है। ऑप्शन आपके पास है यहां पर टमाटर बैंगन मिर्च एंड फूलगोभी कॉलीफ्लावर। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कॉलीफ्लावर हो जाएगा, ब्रेसिका ऑलरेसिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और ये होलो स्टम किसकी वजह से होता है, खोखला तना किसकी वजह से भाई होता है, खोखला तना बोलते हैं हिंदी में, इन नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है आम में फूल आने का समय, क्या बताना है आपको, फ्लावरिंग टाइम बतानी है मैंगो के अंदर, आम में फूल आने का समय। भाई पूरे क्वेश्चन अब मैं यहां पर नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि टाइम काफी ज्यादा लगेगा, हम डायरेक्ट शॉर्ट में बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है यहां पर फरवरी मार्च जून अगस्त,
चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, क्या बताना है कि मैंगो में फ्लावर आने का टाइमिंग, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फरवरी में फूल आते हैं आम के अंदर, मेंजिफेरा इंडिका के अंदर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, बगीचा लगाने वाली मृदा का सूटेबल पीएच क्या बताना है आपको, ऑप्टिमम पीएच बताना है किसके लिए, बगीचा लगाने के लिए, बगीचा लगाने के लिए, बाग लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 4.5 से लेकर 6.5, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 6.5 से लेकर 7.5, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 7.5 से लेकर 8.5, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है नन ऑफ दिस। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, बगीचा लगाने के लिए जिस जहां पर हमें बगीचा लगाना है उसका उपयुक्त पीएच कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.5 से लेकर 7.5। भाई जितने भी हमने फ्रूट पढ़े हैं उनमें मैंने आपको नोट करवाया है, मतलब अधिकतर जो एक तरीके से फल वाले पौधे हैं उनके लिए पीएच कितना होना चाहिए, 6.5 से लेकर 7.5 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, सर्वाधिक लवणता सहनशील फलदार पौधा क्या बताना है आपको, लवणता सहनशील पादप बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए आम, अमरूद, मैंगो, गवावा, सी आपके पास है ग्रेप, डी आपके पास है खजूर, डेट पाम। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, टोलरेंस प्लांट आपको बताना है जो सर्वाधिक मतलब लवणीय सॉल्ट, जो जिसमें सॉल्ट काफी ज्यादा होता है उस जमीन में भी उग सकता है, तो ऐसा पादप कौन सा है भाई, डेट पाम है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी खजूर बोलते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आता है, देखो मुझे वेजिटेबल सब्जियां उगानी है, तो सब्जियां उगाने के लिए 1 हेक्टेयर के लिए कितने एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नर्सरी के लिए, ठीक है ना, नर्सरी सब्जियों के लिए, वेजिटेबल के लिए, ठीक है ना, 1 हेक्टेयर में मुझे सब्जी उगानी है। भाई क्वेश्चन को समझना मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा यहां पर, 1 हेक्टेयर में मुझे सब्जियां उगानी है तो नॉर्मल मुझे नर्सरी के लिए कितने एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको एरिया बताना है। ऑप्शन आपके पास है 50 से 100 मीटर स्क्वायर, 50 से 100 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 100 से 150 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 150 से 250 मीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 500 मीटर स्क्वायर। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, नॉर्मल मुझे कितना एरिया चाहिए, भाई सभी सब्जियों में तो लागू नहीं होगा लेकिन अधिकतर सब्जियों में जो 1 हेक्टेयर में हमें सब्जी लगानी है तो उसके लिए कितने एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नर्सरी लगाने के लिए, तो नर्सरी लगाने के लिए पौध लगाने के लिए हमें 150 से 250 मीटर स्क्वायर एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं प्याज की तो प्याज के लिए 500 मीटर स्क्वायर एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास आता है, प्याज किस प्रकार का पादप है क्या बताना है आपको, प्याज किस प्रकार का पादप है, किस प्रकार का पादप है, मतलब अनियन जो है, अनियन ये प्लांट आपको बताना है मतलब कौन सा है, एसडीपी है, एलडीपी है, डीएनपी है। पहला ऑप्शन हमारे पास है एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है डीएनपी डे न्यूट्रल प्लांट, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। देखो अभी मैंने आपको ये नहीं पढ़ा है कि एसडीपी क्या होता है, एलडीपी क्या होता है, डीएनपी क्या होता है, लेकिन मैंने 11th क्लास के जो वीडियो लेक्चर पढ़ाए हुए हैं उनके अंदर ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, या आपको मैं पढ़ाऊंगा हमारा सिलेबस जैसे ही धीरे धीरे कंप्लीट होने लगेगा सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, एक भी टॉपिक आपका यहाँ पर नहीं छूटेगा, बस आप कंटिन्यू मुझे सपोर्ट करते रहे। देखो मैं हर वीडियो लेक्चर के अंदर बोलता हूँ आप लोगों से कि आप मुझे पे जरूर करें गूगल पे से, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट है जो मुझे पे कर रहे हैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो आपको सारे वीडियोज यहाँ पर टाइम से मिलते रहेंगे, क्योंकि यार लॉकडाउन के चलते आप सबको पता है कि सबकी हालत खराब है, मतलब यूट्यूब का रेवेन्यू 2 महीने से कंटिन्यू बिल्कुल जीरो है, इसीलिए आपसे सपोर्ट के लिए बोला जा रहा है। आप 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए आप मुझे गूगल पे से पे जरूर करें। पे करने के लिए बहुत सारे डाउट आते हैं कि सर कैसे पे करें, तो गूगल पे पे आप जैसे ही जाओगे वहां पर आपको ट्रांसफर मनी का ऑप्शन दिखेगा, ऊपर सर्च नहीं करना सर्च बार में, ट्रांसफर मनी में 3rd नंबर का ऑप्शन आपको दिखेगा, वहां पर यूपीआई आईडी या क्यूआर, वहां से आप मुझे पे कर सकते हो, साइड में आपको क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा, आप उसको भी स्कैन करके पे कर सकते हो। तो गाइज यार आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप मुझे सपोर्ट जरूर करें,
आगे बात करते हैं हम यहां पर, तो प्याज जो है किस प्रकार का पादप है, ये एलडीपी प्लांट है, मतलब लॉन्ग डे प्लांट। कौन सा प्लांट है? लॉन्ग डे प्लांट है, दीर्घ दिवस पादप इसको बोलते हैं। सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं क्या होते हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास आता है यहां पर, गाजर में केविटी स्पॉट का कारण, कैरेट में, किसमें, कैरेट में आपको क्या बताना है, केविटी स्पॉट का कारण बताना है, क्या रीजन है केविटी स्पॉट का। भाई जिन लोगों ने नहीं देखा है गाजर वाला वीडियो, आप बिल्कुल अच्छे से देख ले, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बोरोन की कमी, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बोरोन की अधिकता, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है कैल्शियम की कमी, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कैल्शियम की अधिकता। तो भाई बोरोन जो कैरेट में केविटी स्पॉट होता है किसकी कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम की कमी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 29 हो गए, 11 क्वेश्चन हमारे पास और हैं, क्वेश्चन नंबर 30 अब हम देखने वाले हैं। कंटिन्यू भाई आप सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे, और जिन बच्चों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक जरूर कर ले। क्वेश्चन नंबर 30 आता है लेजेनेरिया सिसेरिया, क्या बताना है, लेजेनेरिया सिसेरिया किसका बोटानिकल नेम है, लेजेनेरिया सिसेरिया किसका बोटानिकल नेम है। ऑप्शन नंबर ए बिटरगार्ड, ऑप्शन नंबर ए बिटरगार्ड, ऑप्शन नंबर बी बोटल गार्ड, ऑप्शन नंबर सी स्पॉन्जी गार्ड एंड ऑप्शन नंबर डी पंपकिन। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, लेजेनेरिया सिनेरिया किसका बोटानिकल नेम है, तो किसका बोटानिकल नेम है भाई, बोटल गार्ड का है। बोटल गार्ड क्या होता है, लोकी, तो लोकी का बोटानिकल नेम क्या होता है, लेजेनेरिया सिसेरिया होता है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्जियों के अंदर या मेडिसिनल प्लांट के अंदर या फ्लोरिकल्चर जो है, यहां से अधिकतर क्वेश्चन आपके लिए क्या दिया जाता है, बोटनिकल नेम दिया जाता है और आपसे उसका नाम पूछा जाता है, इसीलिए आप बोटनिकल नेम बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, कुकुरबिटा मोस्टाटा, ठीक है ना, सबका आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास आता है बैंगन में संकर किस्मों की बीज दर, हाइब्रिड वेराइटीज के लिए मुझे सीड रेट लेनी है, ठीक है ना, कौन सी सब्जी में, ब्रिंजल में। भाई समझ में आ रहे ना आप लोगों को, क्वेश्चन पूरे नोट नहीं करवा पा रहा क्योंकि टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा, आप क्वेश्चन समझते हुए चले, मतलब मुझे बैंगन लगाना है और बैंगन के लिए हाइब्रिड किस्म मुझे लगानी है, तो मुझे कितनी बीज दर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सीड रेट आपको बतानी है। एक क्वेश्चन आपसे जेट में पूछा गया है, जेट में शायद ये 2020 या 2019 2018 इनमें पूछा गया है ये क्वेश्चन, हाइब्रिड वेराइटीज बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर एंड ऑप्शन नंबर डी 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। चलिए कमेंट करें, तो बैंगन में जो संकर किस्मों के लिए बीज दर लेते हैं कितने लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 100 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर हम बीज दर लेते हैं, और सामान्य की हम बात करें तो सामान्य लेते हैं 350 से 500 ग्राम, सामान्य 350 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लेते हैं, हाइब्रिड के लिए 150 से 200, स्टार लगा लेना ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं, गाजर किस ऋतु की सब्जी है, मतलब जो कैरेट है किस सीजन में कैरेट को उगाया जाता है, कैरेट को डेकस कैरोटा को किस सीजन में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है खरीफ, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है जायद, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है रबी एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है नन ऑफ दीज। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, क्या बताना है आपको, गाजर को किस सीजन में उगाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रबी हो जाएगा, रबी में डेकस कैरोटा को उगाया जाता है। भाई सर्दियों में ही तो आती है गाजर, गाजर का हलवा बनता है, आप सबको पता होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 33, और गाजर में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, और एक क्वेश्चन क्या बनता है, कैरोटीन का बनता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आता है पंत शिवानी इज अ वेराइटी ऑफ, क्या बताना है, पंत शिवानी किसकी किस्म है, वेराइटी आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है ग्रेप, ग्रेप क्या होता है भाई, विटिस विनिफेरा होता है।
ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या है, मेंजीफेरा इंडिका मैंगो। ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या है, मूसा पेराडिसिका मतलब बनाना। एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या है, बेल बील। तो चलिए भाई फटाफट कमेंट करें राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंत शिवानी बील की या बेल की क्या है, प्रजाति है, किस्म है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं यहां पर, अंगूर की सफेद वाइन बनाने के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी वाइन बनानी है भाई, व्हाइट व्हाइट वाइन बनाने के लिए ग्रेप की हमें क्या बतानी है, वेराइटी बतानी है। क्या बतानी है, ग्रेप की वेराइटी हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए अर्का तृष्णा, अर्का तृष्णा। ऑप्शन नंबर बी अर्का हंस, अर्का हंस। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है भास्कर, भास्कर। एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है तास ए गणेश। इस पे स्टार लगा लेना, ये भी पूछी जाती है कि तास ए गणेश किसकी वेराइटी है, तो किसकी वेराइटी है, अंगूर की। ऐसी वेराइटीज आपको यहां पर दी हुई है जो अक्सर पूछी जाती है, चाहे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो सफेद वाइन बनाने के लिए जो वेराइटी है अंगूर की सबसे बेटर, वो कौन सी है, अर्का हंस है। कौन सी है, अर्का हंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 है केला, केले की चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त किस्म हमें क्या बनाने, चिप्स बनाने। चिप्स किससे बनाएंगे, केला से बनाएंगे, मूसा पेराडिसिका से बनाएंगे। तो चिप्स बनाने के लिए कौन सी किस्म है जिसको काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रोबस्टा, रोबस्टा। ऑप्शन नंबर बी लेडी फिंगर। लेडी फिंगर वाला पूछा गया है कि बताइए लेडी फिंगर किसकी वेरायटी है। अधिकतर स्टूडेंट ओकरा लगाते हैं, भिंडी लगाते हैं, तो भिंडी यहां पे मत लगाना। किसकी वेरायटी है, मूसा पेराडिसिका की वेरायटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोबस्टा लेडी फिंगर। ऑप्शन नंबर सी पुवन, पुवन। एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है नेंड्रेन, नेंड्रेन। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा चिप्स बनाने के लिए जो केले की वेरायटी है वो है नेंड्रेन। यह एक तरीके से ड्यूअल पर्पज वेरायटी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 हमारे हो गए, क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 भाई कंटिन्यू आप आंसर देते रहे और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके। क्वेश्चन नंबर 36 आता है नियमित फल देने वाली किस्म, आंवला की नियमित फल देने वाली किस्म आपको बतानी है, आंवला की नियमित फल देने वाली किस्म, फल देने वाली किस्म। आगे बात करते हैं ऑप्शन देखते हैं हम यहां पर। ऑप्शन नंबर ए है बनारसी, बनारसी। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है कंचन, कंचन। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है नरेंद्र फाइव, नरेंद्र आंवला फाइव। एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है यहां पर नरेंद्र आंवला सेवन, नरेंद्र आंवला सेवन। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें राइट आंसर, फटाफट कमेंट करें राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंवला की नियमित जो फल देने वाली किस्म है वो है कंचन, और इसको नरेंद्र आंवला फोर के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं, और ये जो नरेंद्र आंवला है ये सेवन है, ये मुरब्बा बनाने के लिए अच्छी किस्म है। और एन ए फाइव अगर दोनों आपको दी जाए तो फिर आप ये वाले लगाओगे मुरब्बा के लिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास आता है छुआरा बनाने हेतु फलों को किस अवस्था पर तोड़ा जाता है। देखो मैंने आपको चार स्टेज बताई थी जिसमें हम क्या करते हैं छुआरा बनाने के लिए खजूर को तोड़ते हैं, तो किस अवस्था पर तोड़ेंगे। अवस्था आपके पास है यहां पर, पहली अवस्था है गंडोरा, गंडोरा। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है डेंग। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है डोका। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है पिंड। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। डोका अवस्था पर तोड़ा जाता है छुआरा बनाने के लिए, छुआरा बनाने के लिए खजूर को कब तोड़ते हैं, डोका अवस्था पर तोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है पेपर सेल इज अ वेराइटी ऑफ, पेपर सेल इज अ वेराइटी ऑफ मतलब पेपर सेल किसकी किस्म है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है पॉमग्रेनेट, पॉमग्रेनेट। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है बनाना। ऑप्शन नंबर सी गवावा। एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है बेर। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें राइट आंसर क्या हो जाएगा। पेपर सेल किसकी वेराइटी है, पेपर सेल पॉमग्रेनेट अनार की वेराइटी है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास यहां पर पपीता के पौधे से पौधे की दूरी क्या बताना है आपको, प्लांट टू प्लांट स्पेस बताना है, डिस्टेंस बताना है, किसमें पपाया में,
पापाया में पी इंटू पी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 1 × 1 m², ऑप्शन नंबर बी 2 × 2 m² एंड ऑप्शन नंबर सी 3 × 3 m², ऑप्शन नंबर डी 5 × 5 m². चलिए भाई फटाफट कमेंट करें क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 2 × 2 m². हम क्या लेते हैं पपाया में डिस्टेंस रखते हैं, मतलब इतनी दूरी हम रखते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, अंगूर का वानस्पतिक नाम बताइए। किसका? ग्रेप का। तो ग्रेप का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा भाई? ग्रेप का वानस्पतिक नाम हो जाएगा विटिस विनिफेरा। क्या हो जाएगा? विटिस विनिफेरा। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। गाइस आप इस वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें और आप मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसा लगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और यार बिल्कुल आप अधिक से अधिक सपोर्ट जरूर करें मुझे, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट है जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप सपोर्ट करोगे तो आपको यहां पर टाइम पर वीडियोस मिलते रहेंगे। आप मुझे सपोर्ट जरूर करें गूगल पे से, आप मुझे 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए पे जरूर करें। देखो अगर आप कहीं पर पढ़ते वहां पर भी आप पे करते, यहां पर जस्ट आपसे सपोर्ट के लिए बोला जा रहा है तो आप कंटिन्यू सपोर्ट करें। देखो आपके जो हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्जाम के अंदर, करीबन करीबन 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 14-15 क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में पुटअप होते हैं, चाहे वो जेट का एग्जाम हो, आईसीआर का हो, बीएचयू का हो, पेट का हो। आगे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे पेपर सोल्व करवाऊंगा जो हमारे प्रीवियस पेपर हैं, जो पिछले सालों के पेपर हैं। इनमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पेपर्स हैं हमारे, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभी हमने हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। एग्रोनॉमी जैसे हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे, और एनिमल हस्बेंड्री की आप बिल्कुल टेंशन ना ले, आपको एनिमल हस्बेंड्री बिल्कुल ट्रिकली तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा एक बार वीडियो देखोगे तो। तो गाइज आप इस वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।